गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास बेटा। टुडे आई विल एक्सप्लेन पेज लेसन 10 एंड पेज नंबर 131। ओके बेटा, पेज नंबर 131 लेसन 10 द साइक्लोन। ओके, साइक्लोन, साइक्लोन का मतलब क्या होता है बेटा? तूफान। तूफान कैसा? भयंकर वाला तूफान, बहुत जो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है, लाइव्स को भी और हमारी प्रॉपर्टी को भी, ठीक है। तो साइक्लोन होता है बहुत तेज़ तूफान। मोस्टली ये जो है समुद्री जो तूफान, जैसे समुद्र का जो इलाका, जो समुद्री इलाका है वहाँ पर ये तूफान होता है, ठीक है बेटा, जो तूफान है वो। एंड दिस साइक्लोन चैप्टर आपका है, दिस द चैप्टर साइक्लोन, ठीक है। साइक्लोन का मतलब होता है तूफान। वैसे मैंने जो अपने हिसाब से बोलूँ, समुद्री तूफान जो वर्ड इसके लिए यूज़ होता है, समुद्र से उठने वाला जो तूफान है। ओके, चुक चुक चुक। कैन यू नेम दीज डिफरेंट वेदर टाइप चूज फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। ठीक है, जो आपका जी क्या दे रखे हैं हेल्प बॉक्स, आपके पिक्चर्स दी हुई हैं और पिक्चर के साथ साथ आपको क्या है साइड में वर्ड्स दे रखे हैं, विंडी, लाइटनिंग, रेनी, टोरनेडो, क्लाउडी, स्नोई। जब वेदर जो होता है ना, वेदर हमारा जो चेंज होता है, ठीक है, वेदर आपको तो पता है, व्हाट डू यू मीन बाय वेदर? वेदर आपको पता है, आपको जो डे आपका जो दिन भर में जो आपका टेम्परेचर अप डाउन जाता है, जो विंडी होता है आपका जो एनवायरनमेंट, उसमें बादल होते हैं, क्लाउडी होता है, विंडी होता है, रेनी होता है, तो दिन भर में कई बार सूरज निकल आता है, मॉर्निंग में बादल थे तो दिन में सूरज निकल गया, यानी कि दिन भर में जो मौसम में बदलाव आता है, थोड़ा गर्मी है, थोड़ी सर्दी लग रही है, हवा चल रही है, इसको हम वेदर बोलेंगे। जो हमारे दिन भर में जो मौसम चेंज होता है उसको हम वेदर बोलते हैं। क्लाइमेट होता है लॉन्ग टाइम, हमारा पीरियड के लिए, लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए जो टेम्परेचर एक जैसा रहता है, ठीक है, जैसे गर्मी है लॉन्ग टाइम में रहती है, अभी सर्दी है लॉन्ग टाइम रहती है, उसको हम क्लाइमेट बोलते हैं। और वेदर आपका आ जाता है जो दिन भर में जो हमारा मौसम जो बदलता है उसको बोलते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक सुबह बादल हैं, फिर बारिश हो गई, बारिश के बाद फिर धूप निकल आई, ये हमारा वेदर हो गया, ठीक है बेटा। आप पढ़ भी चुके हैं छोटी क्लासों में और भी, यस। आपके पिक्चर्स हैं, पिक्चर देख करके आपको ये भरना है। फर्स्ट आपका क्या है? स्नोई है, ठीक है, स्नोई। दूसरा आपका है रेनी है, फिर उसके बाद आपका क्या आ गया, आपका उसके बाद क्या है, ये आपका स्नोई हो गया, विंडी, विंडी हवा चल रही है, उसके बाद आपका क्या हो गया, ये क्लाउड हो गया, क्लाउडी हो गया, फिर टोर्नेडो हो गया, उसके बाद आपका क्या हो गया, ये लाइटनिंग, ठीक है। लाइटनिंग मतलब बादल जब होते हैं, बादलों के बाद क्या जो गर्जन होती है, लाइट चमकती है ना, उस तरह से नीचे की तरफ आती है, ठीक है। अब देखो साइक्लोन क्या होता है। अ साइक्लोन इज अ वायलेंट स्टॉर्म इन विच स्ट्रॉन्ग विंड मूव इन अ सर्कल द 12 मोस्ट साइक्लोन, द 12 मोस्ट साइक्लोन प्रॉन डिस्ट्रिक्ट लाई ऑन इंडियाज ईस्ट कोस्ट, सम ऑफ देम आर इन आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल, ठीक है ना। यानी कि साइक्लोन प्रॉन डिस्ट्रिक्ट मतलब जो साइक्लोन रेगुलरली जहाँ पर, यानी कि मोस्टली जहाँ पर क्या है साइक्लोन आता ही आता है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट हमारे हैं इंडिया में कहाँ पर हैं, वह ईस्ट कोस्ट में, सम ऑफ देम आर इन आंध्र प्रदेश, ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल। अगर आप देखेंगे इंडिया का मैप, वेस्ट बंगाल से लेकर गुजरात तक ये जो कोना हमारा है, ये पूरा कोस्टल है हमारा, कोस्टल एरिया है हमारा ये, ठीक है। तो ये बेटा जब भी तूफान आते हैं, अभी हाल में आपने देखा होगा जो अभी जो इसी साल आपने देखा है कि कितनी बारिश के मौसम में, रेनी सीजन में कितना तबाही, कितना आप भारत में तबाही मची थी, आपका जान माल यानी कि आपका लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों का ही बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था, ठीक है। लोग काफ़ी लोग मारे भी गए थे, घरों को नुकसान हुआ, ठीक है। तो बेटा ये जो है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं साइक्लोन्स, और ये आपका मेन मेन इस पर फोर दे आंध्र प्रदेश, ओडिशा और वेस्ट बंगाल, ठीक है, ये दिया हुआ है। सॉरी बेटा, दिस चैप्टर इज ऑल्सो बिलोंग्स टू अ, जो स्टोरी है वो भी साइक्लोन से रिलेटेड है, ठीक है। यह आपका जो स्टार्टिंग में, यानी कि क्या दिया होता है कि चैप्टर, जो चैप्टर के अंदर जो चीज़ें होती हैं उसी से रिलेटेड आपको ये इन्फॉर्मेशन इसमें दी जाती है ना, उसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इसमें दी जाती है। तो आपका क्या है इसमें, साइक्लोन वाला चैप्टर है, तो इससे जो स्टोरी है आपकी वो भी साइक्लोन से रिलेटेड है। ओके बेटा, ओके। नेक्स्ट पेज आपका आता है, स्टोरी आपकी शुरू होती है बेटा, ठीक है। द वंडरफुल विजार्ड ऑफ ओजी बाय एल फ्रैंक बॉम
narrates the exciting adventures of Dorothy in the magical land of Oz. After she and her pet dog Toto are swept away from their Kansas home by a cyclone, in this excerpt we read about how her grand adventures begin. Okay, जो स्टोरी है आपकी है द वंडरफुल विजार्ड ऑफ ओजी, यानी कि वंडरफुल विजार्ड ऑफ ओजी जो है बेटा, दिस इज अ स्टोरी रिटन बाई एल फिनबॉर्न, ठीक है ना, एल फिनबॉर्न ने लिखी है इसे, द वंडरफुल विजार्ड ऑफ ओजी, ठीक है, यानी कि विजार्ड का मतलब क्या होता है, जादूगर, वंडरफुल मतलब अद्भुत जादूगर ओजी का, Oz is the name of a place, ठीक है, तो Oz इसमें वर्ड दिया हुआ है, और ये जो आपकी जो स्टोरी है वहाँ से ली गई है, कहाँ से, द वंडरफुल विजार्ड ऑफ Oz जो एल फिनबॉर्न ने लिखी है, ठीक है, नैरेट्स उन्होंने नैरेट किया है इसको, द एक्साइटिंग एडवेंचर्स ऑफ Dorothy इन मैजिकल लैंड ऑफ Oz, नैरेट्स उन्होंने स्टोरी, एक्साइटिंग मतलब बहुत मज़ेदार, एडवेंचर का मतलब होता है साहसिक कार्य जो यात्रा, एडवेंचर का मतलब जहाँ हमें खतरा होता है उस खतरे से हम जो है जब हम निपटते हैं, दैट इज एडवेंचर, ठीक है, एडवेंचर आइलैंड आप देखते हो, एडवेंचर्स आपने आपका मूवी मेरे ख्याल से एक टीवी चैनल भी है, तो उसके अंदर ऐसे चीज़ें दी जाती हैं, ऑफ Dorothy, एडवेंचर ऑफ Dorothy किसकी, Dorothy की, इन मैजिकल लैंड, कहाँ पर, एक जादू की नगरी, ऑफ कहाँ, Oz, ठीक है ना, Oz जादूगर भी Oz का है, वंडरफुल विजार्ड ऑफ Oz जगह का नाम है, आफ्टर शी एंड हर पैट डॉग, उसके बाद क्या, उसका पैट डॉग और वो खुद टोटो आर स्वेप्ट अवे फ्रॉम देयर कैंसास होम, वो वहाँ से निकल गए, दूर निकल गए, कहाँ से निकल गए, स्वेप्ट हो गया, दूर निकल गए देयर कैंसास होम बाई किसके कारण, साइक्लोन के कारण, तूफान के कारण वो दूर हो गए अपने घर से, घर कौन सा उनका, देयर कैंसास, ठीक है, इन दिस एक्सर्प्ट We read about how her grand adventures begin. अब हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है, इस स्टोरी में इसमें हम पढ़ेंगे कैसे वो हर grand adventures begin, उनका बहुत बड़ा खतरा जो उनका रोमांचकारी जो उनका यात्रा थी जो उनका संघर्ष जो शुरू हुआ था वो उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है ना, उसके बाद साइक्लोन आपका मीनिंग क्या होता है, अ स्टॉर्म इन विच स्ट्रॉन्ग विंड मूव इन अ सर्कल, आपको क्या है, एक साइक्लोन क्या होता है, स्टॉर्म विंड मतलब क्या होता है, बहुत तूफान, बड़ा तूफान, इन विच जिसमें क्या है, अ स्टॉर्म मतलब एक तूफान जिसमें, विच स्ट्रॉन्ग विंड मूव इन अ सर्कल, और जो बहुत तेज हवा जो होती है, ताकतवर हवा जो होती है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, दबाव होता है, वो हवा सर्कल में घूमती है, फिर वो सर्कल में घूमते घूमते वो अपने आसपास के इलाकों को भी वो ले लेती है, और वहाँ भी वो तूफान क्या है, दबाही मचाता है, ठीक है बेटा, कई बार क्या है ये हल्का भी हो जाता है तो नुकसान कम होता है, जब ज़्यादा होता है, ज़्यादा इसकी प्रेशर में होता है, इसके अंदर दबाव ज़्यादा होता है तो वो ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है आसपास के इलाकों को, ठीक है, तो Dorothy lived in the state of Kansas with her uncle Henry and her aunt Anne, ठीक है ना, एम भी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है, Dorothy जो है कहाँ रहती है, स्टेट ऑफ कंसास, कंसास के राज्य में रहती, एक नगर स्टेट में रहती है, राज्य में रहती है, हर अंकल हेनरी, अपने अंकल हेनरी के साथ और अपनी आंट एम के साथ, देयर लिटिल वुडन हाउस वॉज इन द मिडल ऑफ द ग्रेट फ्लैट कंसास, यानी कि जो उनका जो छोटा सा घर होता है, लकड़ी का जो घर होता है वो मिडल ऑफ द ग्रेट फ्लैट कंसास, यानी कि समतल कंसास में उनका घर होता है, एंड बिल्ड द वुडन हाउस हिमसेल्फ, वो अपने आप उस हिमसेल्फ बना, उन्होंने खुद बनाया होता वो घर को, मैनी ईयर्स बिफोर, हर अंकल हेनरी ने, वो क्या है, एक फार्मर हैं, अंकल हेनरी जो फार्मर हैं और उन्होंने खुद ये घर अपना बनाया कई साल पहले, मैनी ईयर्स बिफोर मतलब कई साल पहले, द हाउस ओनली हैड अ वन रूम, पहले घर पे जो था एक ही रूम था दैट वॉज यूज फॉर ईटिंग एंड फॉर स्लीपिंग इन टू, वो खाने के साथ साथ सोने के भी काम आता था, देयर वॉज अ लिटिल होल अंडर द हाउस, और घर के अंदर जो है उसी में एक छोटा सा होल था, दैट वॉज कॉल्ड द साइक्लोन सेलर, उसको साइक्लोन सेलर, सेलर का मीनिंग नीचे दिया हुआ है बेटे, अ रूम दैट बिल्ट अंडर द ग्राउंड, एक कमरा जो ग्राउंड के अंदर बना हुआ है, ठीक है, उसके बाद द फैमिली हाइड इन द सेलर,
When the storm wind of cyclone blew across the prairie, prairie का मतलब होता है grassland, grassland का मतलब चारागाह, चारागाह का मतलब होता है जहाँ घास घास होती है, जहाँ पर कैटल जो है, जानवर जो है वो घास खाने आते हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, ड्रोथी अंकल हेनरी एंड आंट एम वर पुअर, क्या थे बेटा वो ड्रोथी और उसके अंकल हेनरी थे और आंट एम थी, वो बहुत गरीब थे, ठीक है, वर्क पुअर, जिनके पास थोड़ा पैसा कम था। दे हैड वर्क वेरी हार्ड ऑल देयर लाइफ्स, मतलब वो बहुत मेहनत करते थे अपने जीवन को चलाने के लिए, अपने जीवन, उनके जीवन के लिए, अपने जीने के लिए वो बहुत मेहनत करते थे। इट वॉज नॉट ईजी टू बी अ फार्मर ऑन द प्रेरी, इट वॉज नॉट ईजी टू बी अ फार्मर ऑन द प्रेरी का मतलब होता है बहुत आसान नहीं था, प्रेरी मतलब चारागाह में जहाँ घास उगती है चरने के लिए, वहाँ पर जो है खेती करना आसान काम नहीं था, ठीक है बेटा। और जंगल भी उसके पास में रहते थे और वहाँ पे जानवर आके फसल भी खा जाते थे, अगर फसल लगाई है तो बेटा घास वाला एरिया है तो घास जल्दी जल्दी उग जाती थी, तो अनवांटेड जो वीड्स होती हैं बेटा उनको दूर करना और खेती में से, और जो वांटेड वाले पेड़ पौधे होते हैं उनको रखना बड़ा मुश्किल, बार बार सफाई करते रहना उनको, आज हमने उनको हटा दिया अनवांटेड वीड्स को तो नेक्स्ट डे और फिर उगाए वो, तो बहुत मेहनत करनी पड़ती थी उनको, इतना आसान नहीं था प्रेरीज में खेती करना। सो अंकल हेनरी वॉज ऑलवेज वेरी टायर्ड, वो हमेशा थके रहते थे, इतना काम हो जाता था थक जाते, जैसे आपकी मम्मा घर में काम करती है, मम्मा सुबह उठ जाती है 4 o'clock 5 o'clock मम्मा उठती है, उसके बाद मम्मी की रेल बनी होती है, मम्मा काम करती है अपने घर का, खुद भी अपना नहाना धोना और घर में जो भी काम है ठीक करना, पूजा पाठ, कपड़े वगैरह, खाना बनाना आप लोगों के लिए, आपको उठाना, चाय बना के देना, मम्मी के पैर बिल्कुल यूँ काम में लगी रहती है, और शाम को रात को जाके मम्मी को कहीं 11 o'clock या 10 o'clock 11 o'clock 11 से भी ज़्यादा हो जाता है मम्मी जाके, फिर सुबह 4 बजे फिर उठ जाती है, जस्ट लाइक योर मदर, ठीक है। मम्मा भी क्या होती थी, थक जाती है, सुबह उठा नहीं जाता, सेम वे वही ड्रोथी के अंकल का था कि वो उनको जल्दी बहुत हमेशा टायर्ड रहते थे, हमेशा थके थके इसलिए रहते थे क्योंकि उनको उनके जो खेती करना वहाँ पर बहुत मुश्किल काम था, यानी कि उनको खेतों में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी तब जाके उनका कुछ अनाज खाने के लायक पैदा होता था, तो उनको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता था बेटा, ओके। तो क्या करते हैं वो, उनके अंकल हमेशा हमेशा फीलिंग उनको वेरी ऑलवेज वेरी टायर्ड, ही नेवर स्माइल एंड आंट एम ऑलवेज लुक्ड सैड टू, वो कभी खुश नहीं होते थे। अब क्या होता है बेटा, स्माइल तब हम पास करते हैं जब हम अंदर से खुश होते हैं, हम थोड़ा सा रिलैक्स महसूस करते हैं, जब हम टायर्ड टायर्ड महसूस करेंगे तो हमारे चेहरे पे स्माइल तो वैसे ही नहीं आएगी। एंड आंट एम ऑलवेज लुक सैड टू, और जो आंट होती है एम जो है वो हमेशा दिखाई देती कैसी थकी हुई। बट ड्रोथी वॉज ऑलवेज लॉफिंग, ड्रोथी जो है हमेशा हंसती हुई नजर आती है। ड्रोथी हैड अ लिटिल ब्लैक डॉग कॉल टोटो, और ड्रोथी का जो है ड्रोथी वॉज ऑलवेज लॉफिंग, और ड्रोथी जो है वो हमेशा हंसती रहती थी, ठीक है। डोरोथी हैड अ लिटिल ब्लैक डॉग कॉल टोटो, ड्रोथी का छोटा सा काला कुत्ता था जिसको टोटो कहते थे वो, दे कॉल द टोटो, एंड शी प्लेड विद हिम ऑल डे लॉन्ग, वो हमेशा पूरे दिन भर उसके साथ खेलती रहती थी। बट टुडे डोरोथी एंड टोटो वॉज नॉट प्लेइंग, अब वो डोरोथी और टोटो नहीं पर खेल रहे थे, अंकल हेनरी वॉज स्टैंडिंग विद द डोरोथी इन द डोर वे ऑफ द लिटिल हाउस, और जो अंकल हेनरी थे वो खड़े थे कहाँ पर, विद डोरोथी के साथ इन द डोर वे, दरवाजे पर ऑफ द लिटिल हाउस, छोटे घर के दरवाजे पर खड़े थे अंकल और साथ में डोरोथी, ही वॉज लुकिंग एट द ग्रे स्काई, वो ग्रे स्काई को देख रहे थे, मतलब ग्रे स्काई का मतलब क्या होता है बेटा, बादल, इसका मतलब बादल छाए हैं और बारिश होने वाली है, ठीक है। ग्रे स्काई, अब उनको आज दुखी हो रखे थे, वरीडली मतलब दुखी, वरीड का मतलब होता है परेशान, दुखी होना। एंड रोड, एंड रोड, और क्या कर रहे थे, कुत्ता जो है वो तो चुपचाप खड़े हुए थे स्काई को देख रहे थे। दे हर्ड अ साउंड ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड, सॉरी वो लाइन भूल गई थी मैं, दे हर्ड द साउंड ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड कमिंग फ्रॉम द साउथ, यानी कि साउथ से जो हवा चल रही थी वो सुन रहे थे उसकी आवाज़, ठीक है ना, साउथ में से जो हवा चल रही थी, साउथ डायरेक्शन से जो हवा चल रही थी उसकी आवाज़ को सुन के वो डर रहे थे। इट विसल एंड रोर, वो कैसी चल रही थी हवा, आपने देखा है बेटा, आपने सुना है जब तेज़ हवा चलती तो हवा की आवाज़ आती है और जस्ट लाइक ऐसा लगता है जैसे सीटी सी बज रही हो, जब आपस में टकराते हैं, हवा चलती है आपस में, पेड़ पौधे सब टकराते हो, एक अजीब सी आवाज़ जो निकालते हैं, तो यहाँ पर विसल एंड रोर यूज़ किया हुआ, रोर का मतलब दहाड़ना, तेज भयंकर आवाज़ और सीटी जैसी बजती हुई आती है ना, तेज़ कोई चीज़ तेज़ी से आ रही है और साथ में सीटी बजाते हुए आ रही है। एंड इट ब्लू द लॉन्ग ग्रास ऑफ द प्रेरीज अंटिल इट वॉज फ्लैट, ठीक है ना, इट ब्लू